हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही थी चैप्टर 4 हीट। आज हम करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ए फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन ए फ्लेम। इट इज बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। आपने देखा है कि फ्राइंग पैन जब गर्म होता है, जब उसको फ्लेम पे रखते हैं तो गर्म हो जाता है, क्योंकि हीट फ्लेम से हमारे फ्राइंग पैन के अंदर पास हो जाती है। व्हेन द पैन इज रिमूव्ड फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन। व्हाई डज इट कूल डाउन? जब पैन को हम फ्लेम से हटाएंगे तो ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। ये ठंडा क्यों होता है? The heat is transferred from the pan to the surrounding. जो पैन में हीट थी वो सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाती है, वो आसपास चली जाती है। So you can understand in both the cases the heat flows from a hotter object to a colder object. तो आप समझ चुके हैं इन दोनों केसेस में क्या होता है। हीट हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो कर रही है। पहले फ्लेम से यूटेंसिल में जाती है, उसके बाद यूटेंसिल को जब हम हटा लेते हैं फ्लेम से तो वो सराउंडिंग में चली जाती है। तो हीट का फ्लो कैसे हुआ? फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। How does heat flow? Let us investigate. Heat कैसे flow करती है? हम अब investigate करेंगे इसके बारे में। तो इसके लिए हम एक activity करेंगे। पहली ask, does it mean that heat will not be transferred if the temperature of two objects is same? पहली पूछती है कि इसका मतलब ये है कि heat transfer नहीं होगी अगर दो objects हैं और उनका temperature same है। वो सही पूछ रही है, ऐसा ही होगा। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम है तो हीट एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर नहीं होगी। हीट हमेशा हॉट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है। एक्टिविटी करेंगे इसके लिए, आप एक रॉड लेंगे मेटल की। मेटल रॉड दिखा रखी है ग्रे कलर की, ये एल्यूमिनियम की या आयरन की लेंगे आप। इसके ऊपर हम वैक्स के पीसेस लगा देंगे। जो ये वैक्स के पीसेस दिख रहे हैं आपको, 1, 2, 3 एंड दिस इज 4, ये यहाँ पे 4 वैक्स के पीसेस हैं। इक्वल डिस्टेंस है इनके बीच की, देखो आप डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल दे रखी है। क्लैंप द रॉड टू ए स्टैंड। आप इस रॉड को, जो हमारे पास एल्यूमिनियम रॉड है ये, इसको हम स्टैंड में लगा देंगे। अगर स्टैंड नहीं है तो दो ब्रिक्स के बीच में इसको फिट कर देंगे। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। अब हम रॉड के दूसरे एंड को कैंडल से गर्म करेंगे और देखेंगे क्या होता है। व्हाट हैपन टू द वैक्स पीसेस? वैक्स पीसेस का क्या होता है? डू दीज पीसेस बिगिन टू फॉल? क्या ये पीसेस गिरने शुरू हो जाते हैं? विच पीस फॉल्स द फर्स्ट? कौन सा पीस इसमें से पहले गिरता है? Do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end? सबसे पहले हमारा ये वाला जो है दिखा रखा है फिगर में, ये नीचे आ रहा है, ये पिंगल के, क्योंकि कैंडल की फ्लेम की वजह से रॉड गर्म हो जाती है और ये यहाँ से वैक्स पिंगल के नीचे आ जाता है। उसके बाद ये दूसरा आएगा, उसके बाद ये तीसरा, उसके बाद चौथा और उसके बाद पांचवा आएगा। तो हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है? Nearest to the flame, पहले फ्लेम के पास वाला हिस्सा गर्म होता है और फिर धीरे धीरे रोड का दूसरा एंड भी गर्म हो जाएगा। The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जाती है, इसको प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। इन सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सॉलिड्स में हीट का जो ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन प्रोसेस से ही होता है। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजिली?
क्या सभी सब्सटेंसेस हीट कंडक्ट करते हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैड ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल। हमारे घर पे जो फ्राइंग पैन होता है कुकिंग के लिए, उसका जो हैंडल होता है या तो वो प्लास्टिक का होता है या वो लकड़ी का होता है। कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? अगर इसका हैंडल प्लास्टिक या वुडन का ना हो तो क्या हम इसको बिना हैंडल के उठा सकते हैं? नहीं, हम इसको नहीं उठा सकते। अगर ऐसा करेंगे तो हमें चोट लग सकती है। हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन और ए बिकर। हम एक एक्टिविटी करेंगे ये देखने के लिए कि कौन से ऑब्जेक्ट्स हीट कंडक्ट करते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स हीट कंडक्ट नहीं करते। इसके लिए हम कुछ आर्टिकल्स लेंगे, जैसे स्टील स्पून है, प्लास्टिक स्केल है, पेंसिल है, डिवाइडर है। डीप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। हम इन आर्टिकल्स को हॉट वाटर में डालेंगे। आप देख सकते हैं फिगर 4.8, कंडक्शन ऑफ हीट बाय डिफरेंट मटेरियल्स। इसके अंदर स्केल है जो प्लास्टिक का बना हुआ है, स्पून है जो स्टील की बनी हुई है, मेटेलिक है, वुडन पेंसिल दिखा रखी है, एक डिवाइडर दिखा रखा है जो कि आयरन से बना हुआ है। अब हम गर्म पानी में इन सब चीजों को डाल देंगे, कुछ मिनट्स के बाद हम देखेंगे और उसका दूसरा एंड हम चेक करेंगे और हम अपनी ऑब्जर्वेशंस लिख लेंगे। इन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे क्या ऑब्जर्व आएगा? ऑब्जर्वेशन आएगी हमारी जो प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक स्केल है, जो वुडन पेंसिल है, वो उनका दूसरा एंड गर्म नहीं होगा, लेकिन जो स्पून है स्टील की है, मेटेलिक है और ऐसी डिवाइडर है जो कि मेटेलिक है, इनका दूसरा एंड गर्म हो जाता है। तो इस बेसिस पे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? हम कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारे पास दो तरह के मटेरियल्स होते हैं। फर्स्ट जो हीट को पास करने देते हैं अपने अंदर से, और सेकंड जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं करने देते। जो करने देते हैं उनको बोलते हैं हम कंडक्टर्स, और जो नहीं करने देते हैं उनको बोलते हैं हम इंसुलेटर्स और पुअर कंडक्टर्स। तो अब आप इसकी डेफिनेशंस करेंगे। द मटेरियल्स विच एलो हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। एग्जांपल्स आर एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। अब करेंगे इंसुलेटर्स। द मटेरियल्स विच डू नॉट एलो हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर्स। इनको हम इंसुलेटर भी बोल सकते हैं और पुअर कंडक्टर भी बोल सकते हैं। एग्जांपल्स हो जाएंगे इसके, प्लास्टिक है, वुड है, इसके अलावा जैसे कॉटन है, वूल है, ये भी हमारे एग्जांपल्स हैं इंसुलेटर्स के। वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। वाटर और एयर भी कंडक्टर्स जो हीट के हैं, पुअर कंडक्टर्स हैं, दे आर आल्सो इंसुलेटर्स। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस? तो इन सब्सटेंसेस में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है ये देखने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। लेट अस फाइंड आउट। टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क। इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल ए बीकर कैन बी यूज्ड। अगर हमारे पास फ्लास्क है तो फ्लास्क यूज करेंगे राउंड बॉटम, और अगर फ्लास्क नहीं है तो हम इसकी जगह पे बीकर यूज कर सकते हैं। इसको हम 2/3 वाटर से फिलअप कर देंगे और इसको ट्राइपोड स्टैंड पे रखेंगे। इसके नीचे हम एक कैंडल लगा देंगे। हमने इसको गर्म करना है पानी को। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। जब पानी ठहर जाता है, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, तब तक हम वेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक क्रिस्टल रखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट का। कहाँ रखना है इसको? एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क यूजिंग ए स्ट्रॉ। स्ट्रॉ की हेल्प से हम फ्लास्क की बॉटम में एक छोटा सा हम पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल रखेंगे। अब हम हीट करेंगे। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। बिल्कुल क्रिस्टल के नीचे हम कैंडल लगाएंगे और वाटर को हम गर्म करेंगे। अब आप फिगर देख सकते हैं इसकी, ये इसकी फिगर है 4.9। इसके अंदर बीकर है, बीकर नहीं है, फ्लास्क ले रखा है इसमें, और ये नीचे कैंडल दिखा रखी है। ये पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ब्लैकिश, ये इसमें इसका पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है। ठीक है,
When water is heated, the water near the flame gets hot. जब water को heat करेंगे candle की help से तो क्या होगा? Water जो flame के पास वाला जो water है बिल्कुल bottom पे वो गर्म हो जाएगा. Hot water rises up. Hot water ऊपर जाएगा. Cold water from the sides moves down towards the source of heat. जो cold water है sides वाला वो सोर्स ऑफ जो हीट है यानी कि कैंडल वाला जो एरिया है वहां पर आ जाएगा, उसकी तरफ आ जाएगा. दिस वाटर आल्सो गेट्स हॉट, ये वाला पानी भी गर्म हो जाएगा और राइजेस एंड ऊपर चला जाएगा. जो साइड्स में वाटर बचा हुआ है ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ आएगा. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द हॉट वाटर गेट्स होल वाटर गेट्स हीटेड. और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि जो हमारा बीकर में 2/3 वाटर है वो जब तक सारा गर्म नहीं हो जाता. दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन. ये जो प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का, ये जो मोड है इसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं. हाउ डज हीट ट्रेवल इन एयर, एयर के अंदर हीट कैसे ट्रेवल करती है. इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, जो स्मोक होता है धुआं होता है वो किस डायरेक्शन में जाता है. The air near the heat source gets hot and rises. जो हमारा हीट का सोर्स है उसके जो पास वाली एयर है वो गर्म हो जाती है और वो ऊपर चली जाती है. एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इनटू टू टेक इट्स प्लेस. जो साइड्स की एयर है वो गर्म एयर जो स्पेस छोड़ के जाती है उसका प्लेस लेने के लिए वहां जाती है. इन दिस वे एयर गेट्स हीटेड. इस तरह से एयर गर्म होती है. The following activity confirms this idea. और ये जो activity है, ये इस idea को confirm करती है. अब हम करेंगे activity 4.9. आप इसकी पहले figure देखो, थोड़ा सा मैं इसको बता देती हूँ. ये हमें candle दे रखी है. तो एक हाथ तो हम candle के ऊपर रखेंगे और एक हाथ हम side में रखेंगे. लाइट ए कैंडल, कैंडल लेंगे, एक हाथ को हम फ्लेम के ऊपर रखेंगे और एक को हम साइड में रखेंगे. अब हम देखेंगे क्या हमारे दोनों हाथ इक्वली गर्म होते हैं. इफ नॉट विच हैंड फील्स हॉटर, नहीं हमारे हाथ दोनों इक्वली गर्म नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि जो हाथ बिल्कुल ऊपर है वो ज्यादा गर्म होता है और जो साइड में है वो हाथ कम गर्म होता है या उसके कंपेरिजन में बिल्कुल ही गर्म नहीं होता है. Be careful, keep your hands at a safe distance from the flame so that they do not get burned. आप अपने हैंड्स को सेफ डिस्टेंस पे रखेंगे फ्लेम से, कहीं आपके हाथ जल ना जाए. Notice that towards the top the air gets heated by convection. ऐसा क्यों होता है कि जो हथेली हमारी ऊपर की तरफ है कैंडल के वो गर्म हो जाती है और साइड वाली नहीं होती. तो इसका आंसर ये है कि टॉप पर एयर गर्म हो जाती है कन्वेक्शन से. Therefore, the hand above the flame feels hot. और जो हाथ हमारा फ्लेम के ऊपर है वो गर्म फील करता है. On the sides, however, there is no convection. लेकिन साइड्स में कोई कन्वेक्शन प्रोसेस नहीं है. And air doesn't feel as hot as at the top. तो एयर इतनी गर्म फील नहीं होती जितनी की टॉप पे फील होती है. People living in coastal areas experience an interesting phenomena. जो लोग coastal areas में रहते हैं, समुद्री तट पे रहते हैं, वो एक interesting phenomena को experience करते हैं. क्या है वो interesting phenomena? During the day, the land gets heated faster than the water. दिन के दौरान क्या होता है कि land जल्दी गर्म हो जाती है, पानी देर से गर्म होता है. Air over the land becomes hotter and rises up. लैंड के जो ऊपर वाली एयर है वो गर्म हो जाती है और ऊपर चली जाती है. कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस. और जो ठंडी हवा है समुद्र से वो लैंड की तरफ आ जाती है. द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल. और लैंड से गर्म हवा समुद्र की तरफ जाती है और साइकिल को कंप्लीट करती है. द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रिज. जो ठंडी हवा सी से आ रही है उसको सी ब्रिज बोलते हैं. तो इसका कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोगों को क्या एडवांटेज होता है?
दे रिसीव द कूलर एयर ब्रिज सी ब्रिज. इसके लिए वो क्या करते हैं, विंडोज ऑफ द हाउसेज इन द कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी. इसलिए जो कोस्टल एरियाज में घर बनाए जाते हैं उनकी विंडोज फेस करती हैं सी को, सी फेसेस होती हैं, सी को वे फेस करती हैं. एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स. आप फिगर देखो इसकी 4.11 पहले. डे टाइम में दिखा रखा है, आप देख सकते हैं कोस्टल एरियाज. डे टाइम में क्या होता है, लैंड गर्म हो जाती है, लैंड के जो ऊपर वाली एयर है वो गर्म हो जाएगी और ऊपर चली जाएगी. उसका स्पेस लेने के लिए सी से कूल एयर आती है, इसको बोलते हैं सी ब्रिज. यहाँ पे नाइट टाइम में इसका अपोजिट दिखा रखा है, लैंड ठंडी हो जाती है, वाटर देर से ठंडा होता है, तो रात को लैंड ब्रिज चलती है. अभी मैं करा रही हूँ उसके बारे में, आप फिगर देखो पहले. एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स. रात के टाइम प्रोसेस बिल्कुल उल्टा हो जाता है. वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड. वाटर देर से ठंडा होता है और लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है. सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी. इसलिए ठंडी हवा लैंड से समुद्र की तरफ जाती है. दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज. इसको लैंड ब्रिज बोलते हैं. When we come out in sun, हम जब सूर्य की धूप में आते हैं, we feel warm. हमें गर्मी लगती है. How does the heat from the sun reach us? सन से हीट हमारे पास कैसे आती है? It cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of conduction or convection process से सन की हीट हमारे तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि कोई मीडियम नहीं है. एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन. फ्रॉम द सन हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन. सन से जो हीट हमारी तरफ आती है वो एक प्रोसेस होता है रेडिएशन, उस प्रोसेस के द्वारा हम तक पहुंचती है. द ट्रांसफर ऑफ द हीट बाय रेडिएशन डजंट रिक्वायर एनी मीडियम. जो रेडिएशन के द्वारा हीट ट्रांसफर होता है इसको किसी मीडियम की नीड नहीं होती. इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट. व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस. जब हम रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो हम इसी प्रोसेस के द्वारा हीट लेते हैं. ए हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर्स हीट टू द सराउंडिंग्स बाय रेडिएशन. जो हमारे पास कोई भी गर्म बर्तन है वो थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाता है, क्योंकि ये रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा अपनी हीट आसपास छोड़ देता है, सराउंडिंग्स में छोड़ देता है. अवर बॉडी गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन. हमारी बॉडी सराउंडिंग्स को हीट देती है और इससे हीट रिसीव करती है रेडिएशन प्रोसेस से. ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट. सभी जितनी भी हॉट बॉडीज हैं वे हीट को रेडिएट करती हैं. व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट. जब ये हीट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, ए पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड. इसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, एक पार्ट इसका एब्जॉर्ब हो जाता है और एक पार्ट इसका ट्रांसमिट हो जाता है. द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट. किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता है वो केवल एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ हीट की वजह से होता है. जो हीट का जितना भी पार्ट उसने एब्जॉर्ब किया है इसी से उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता है. व्हाई आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन. आप जब गर्मी में बाहर जाते हैं तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप एक छाता लेके जाएं जब आप धूप में जाएं, क्योंकि इससे हमें जो हीट मिलती है सन से वो हमें रेडिएशंस के द्वारा मिलती है और हमें गर्मी लगती है. अगर हम अम्ब्रेला यूज करेंगे
तो डायरेक्ट हीट हमारे ऊपर नहीं आएगी और एब्जॉर्प्शन जो ऑफ हीट है वो कम हो जाएगा। काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। अब हम करेंगे विंटर और समर में हम किस टाइप के क्लोथ्स डालते हैं। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड, समर में हम लाइट कलर के, एंड इन विंटर और विंटर में हम डार्क कलर के क्लोथ्स डालते हैं, ऐसा क्यों है? लेट अस फाइंड आउट। तो इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे 4.10। आप इसकी पहले एक बार मैं फिगर दिखा देती हूँ। हमारे पास ये दो कंटेनर्स हैं, जो फर्स्ट कंटेनर है उसको हमने ब्लैक पेंट किया हुआ है, जो सेकंड कंटेनर है उसको हमने व्हाइट कलर से पेंट किया है। दो आइडेंटिकल कंटेनर्स लेंगे हम, एक को ब्लैक से, आउटर सरफेस को ब्लैक से पेंट कर देंगे और दूसरे को व्हाइट से पेंट कर देंगे। इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे दोनों में और उनको दोपहर में 1 घंटे तक सूर्य की धूप में रख देंगे। अब हम टेम्परेचर नोट करेंगे, तो क्या टेम्परेचर में कोई डिफरेंस आता है? विच कैन इज वॉटर वार्मर, कौन सी कैन के अंदर वॉटर गर्म है? यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वॉटर इन टू कैंस। आप सिर्फ टच करके भी बता सकते हैं कि कौन सी कैन के अंदर वॉटर ज्यादा गर्म है। तो जो कैन ब्लैक पेंटेड है, जिसके ऊपर ब्लैक कलर का पेंट हुआ है, वो ज्यादा एब्सोर्व करेगी हीट को और उसके अंदर पानी ज्यादा गर्म होगा और उसके अंदर टेम्परेचर भी ज्यादा आएगा इन कंपैरिजन टू जो पेंट व्हाइट किया हुआ है जिस कंटेनर के अंदर, उसके उससे कंपैरिजन किया जाएगा। तो वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड टू कीप अवर हाउसेस कूल और वार्म। हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं और फ्यूल्स हैं जैसे कोयला है, वुड है, इसको हम यूज करते हैं ताकि हमारे हाउसेज में कूल फील करें हम या फिर वार्म फील करें। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय हीट एंड कोल्ड आउटसाइड। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाए जिस पे हीट और कोल्ड है, जैसे बाहर जैसा मौसम है अलग अलग, गर्मी है या कोल्ड है, तो उससे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, ऐसी बिल्डिंग्स बनाई बनाई जा सकती हैं? क्या पॉसिबल है ऐसा? दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल ऑफ द बिल्डिंग्स सो दैट दे हैव ट्रैप्ड लेयर्स ऑफ द एयर। दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल ऑफ द बिल्डिंग्स, जो हमारी बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं इनके बाहर हम अलग से आउटर वॉल्स निकाल देंगे तो उनके अंदर एयर आ जाएगी। उससे क्या होगा? ना हमें कोल्ड फील होगा अंदर और ना हमें हॉट फील होगा। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू यूज होलो ब्रिक्स विच आर अवेलेबल दीज डेज। ऐसा करने के लिए हमें होलो ब्रिक्स को यूज करना है जो कि आजकल मिल जाती हैं। अब हम करेंगे एक्टिविटी 4.11। फिल द टू कैंस यूज्ड इन एक्टिविटी 4.10। जो हमने अभी अभी दो कैंस ली थी वही सेम हम यूज कर सकते हैं। सेम अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे और टेम्परेचर होगा उनका 60 डिग्री सेल्सियस। अब हम कैंस को रूम के अंदर रखेंगे छाया में और टेम्परेचर को हम 10 से 15 मिनट के बाद नोट करेंगे। Does the temperature of water in both the cans fall by the same amount? अब हम देखेंगे क्या दोनों के अंदर जो temperature fall है वो same है या नहीं है। Do these activities suggest to you the reason why it is more comfortable to wear white or light colored clothes in the summer and the dark colored clothes in the winter? Dark surfaces absorb more heat. जो डार्क सरफेसेस होते हैं वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि ये ब्लैक पेंटेड कंटेनर सनलाइट में रखते हैं तो ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है और इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो हमें कंफर्टेबल फील होता है डार्क कलर्ड क्लोथ्स के साथ विंटर में। लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट कर देते हैं लाइट को जो उनके ऊपर गिरती है। मोस्ट पार्ट अगर 100% लाइट गिरती है तो वे अबाउट 80-90% उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं एंड वी फील कंफर्टेबल वियरिंग देम इन समर। तो हम गर्मी में उन कपड़ों में हम कंफर्टेबल फील करते हैं।
वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, जो हम वूलन क्लोथ्स डालते हैं, ऊनी कपड़े डालते हैं, वे हमें विंटर में वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। इन द विंटर वी यूज वूलन क्लोथ्स, विंटर में वूलन क्लोथ्स डालते हैं। वूल क्या है? इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं, वूल फाइबर्स, इनके बीच में एयर होती है। एयर क्या है? इंसुलेटर है। ये क्या करता है? इट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ द हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। ये जो एयर है फाइबर्स के बीच में, ये हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देता और हम वार्म फील करते हैं, हमें ठंड नहीं लगती। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट जॉइन टूगेदर, वट वुड यू चूज एंड वाई? रिमेंबर दैट देयर वुड बी लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। मान लो आपको विंटर में दो चॉइस दी जाती हैं, फर्स्ट है कि आप एक मोटा ब्लैंकेट लो, या फिर सेकंड चॉइस आप दो पतले पतले ब्लैंकेट्स ज्वाइन करके यूज कर सकते हैं, तो आप किसको चूज करेंगे और क्यों करेंगे? हम टू थिन ब्लैंकेट्स ज्वाइन करके यूज करेंगे, क्योंकि उनके बीच में एयर होती है और एयर इंसुलेटर है, हमारे जो बॉडी की जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देती, और कि जो बाहर की जो ठंडक है उसको अंदर नहीं आने देती, तो इसमें हम टू थिन ब्लैंकेट्स लेंगे ज्वाइन करके, ये बेटर चॉइस रहेगी। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कराऊंगी और इस चैप्टर के जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वे कराऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।